Welcome everyone, welcome in my YouTube channel. Myself Maureen Ansari, and today I will explain you chapter number 1 of class 10. Okay, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस साल नवाई उर्दू आ गई है 10th क्लास में, लास्ट ईयर कोई दूसरी थी, इस साल दूसरी आ गई है. तो आज हम लोग नवाई उर्दू का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है राजेंद्र सिंह बेदी का भोला है, अफसाना है जो एक राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है. ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है जिसके आप क्वेश्चन आंसर करें आपको मालूम स्टोरी आपको मालूम होना चाहिए कि स्टोरी क्या है. क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी बीच में से भी आ जाते हैं तो आप इजीली लिख सकते हो, क्योंकि आपको स्टोरी तो मालूम ही होगी. तो पहले हम अफसाना समझ लें, क्योंकि अफसाना भी एक आईएमपी सामान्य आईएमपी एक तारीख होती है जो आरटी एग्जाम्स में अफसाना के अफसाना भी सदी के आगाज़ की पैदावार है. तेजी से बदलते जमाने का साथी में मसरूफ होने वालों के लिए यह एक मुख्तसर अफसाना या खास कशिश रखता है. मतलब ये एक छोटी स्टोरी, इसको हम डिटेल में बाद में समझिए, बस मैं एक आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ इसका कि अफसाना क्या होता है. अफसाना एक छोटी स्टोरी का एक स्टोरी होती है छोटी सी, जो कि कम छोटी होती है और बहुत सबक आमोज होती है और दिलचस्प होती है, जो सुनने वाले को एक वो तजस्सुस में डाल देती है कि अब आगे क्या होगा. तो इसी तरह एक भोला जो है वो एक अफसाना है जो कि लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी ने. ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी ने भोला जो स्टोरी है वो उसकी स्टोरी क्या है. राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला एक मासूम बच्चे की कहानी है. इस कहानी में छोटे छोटे वाक़यात हैं जो भोला के दादाजी ने बयान किए हैं. इस अफसाने में एक छोटे बच्चे की मासूमियत, उसके दिल की नरमी और दर्दमंदी को बेदी ने राजेंद्र सिंह बेदी ने बहुत खूबसूरत ढंग से पेश किया है. वो बताते हैं कि 2 दिन बाद राखी का त्यौहार था और भोला का मामा अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था, और भोला की माँ उसके लिए दूध से मक्खन निकालकर एक कोसे में जमा कर रही थी, और ऐसा इस वक्त करती थी जब उसको कोई अजीज आने वाला हो. ठीक है, तो उसके जो भोला की माँ थी उनके भाई आने वाले थे, तो उसके लिए वो मक्खन निकाल रही थी. भोला के दादा जी अपनी बेवा बहू से कहते थे कि वो अच्छे कपड़े और जेवर पहने, हंसे खेले, लेकिन बहू को हर वक्त समाज का ख्याल रहता था. इसलिए उसने तमाम अच्छे कपड़े और जेवर एक संदूक में रख कर ताला लगा दिया था और उसकी चाबी जोहर में फेंक दी थी. भोला को कहानी सुनने का बहुत शौक था. वो रात को सोते वक्त दादाजी से कहानी सुनता था. हमेशा की तरह भोला ने दादाजी से कहानी सुनने की फरमाइश की, मगर दादाजी उस रोज़ बहुत थके हुए थे. दादाजी सो गए. सुबह जब जागे तो उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने भोला से वादा किया था कि वो दोपहर को कहानी सुनाएंगे. भोला बेचैनी से दोपहर होने का इंतज़ार कर रहा था. कहानी सुनने के लिए उसने वक्त से पहले ही खाना निकलवा लिया और दादाजी ने खाने का आखिरी निवाला तोड़ा था कि पटवारी आ गया. वो कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी जमीन नापने के लिए आज ही फुर्सत है, फिर वक्त नहीं मिलेगा. दादाजी ने पटवारी से कहा कि वो कुएं पर पहुंचे मैं वहां आता हूं. पटवारी के जाने के बाद भोला ने दादा से कहा कि वो कहानी सुनाएं. भोला ने जिद की कहानी सुनने की. दादाजी ने टालने के लिए कह दिया कि जिनको कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं. तो भोला को इस बात पर यकीन नहीं आया. वो दादाजी से कहानी सुनाने के लिए इसरार करने लगा. दादाजी ने फिर टालने के लिए कह दिया उनसे कि मैं कहानी सुनाता हूँ और अब कोई मुसाफिर रास्ता भूलेगा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे. इतना कहकर दादा ने 7 शहजादों और 7 शहजादियों की लंबी कहानी सुनाई ताकि भोला खुश हो जाए. मगर भोला कहानी सुनने के बाद पहले की तरह खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर अफसुर्दगी थी. वो कुछ कांप भी रहा था. भोला के मामू को सुबह पहुंचना था, मगर शाम तक मामू जी घर नहीं पहुंचे, तो वो घर के दरवाजे पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी. भोला की माँ रात होने वाली थी तो दादा भोला को दरवाजे से उठाकर घर में ले आए और भोला बिस्तर पर लेट गया. कुछ देर बाद दादाजी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि कमरे में अंधेरा है, बत्ती भी दीवार पर नहीं है और भोला भी बिस्तर पर नहीं है. दादाजी घबरा कर चिल्लाए, माया हम लुट गए, भोला कहीं नहीं है. भोला की माँ माया ये सुनकर चीख मारने लगी. उसकी आवाज़ से पड़ोसी जाग गए. पड़ोस की औरतें ये सुनकर कि भोला गुम हो गया है वो भी रोने लगी, क्योंकि उन दिनों गांव में मेला भी लगा हुआ था और लोग कहते थे कि उनमें ऐसे लोग भी आए हैं जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं. एक पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने पहुंचाने के लिए फौरन गांव से रवाना हुआ, जो 10 कोस शहर में था. बाकी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे.
थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला और भोला का मामू घर में दाखिल हुआ। इसके सर पर मिठाई की टोकरियां और हाथ में बत्ती थी और गोद में भोला था। तमाम पड़ोसी ये देखकर खुश हुए कि भोला के मामू ने बताया कि किसी काम की वजह से देर हो गई थी, रात के अंधेरे में रास्ता भूल गया। यकायक एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी, वो इस जानिब बढ़ा, देखा भोला झाड़ियों में उलझा हुआ है, उसके हाथ में बत्ती है। मैंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त क्यों आए थे। भोला ने जवाब दिया, बाबा जी ने आज दोपहर कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए हो। और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। तो भोला ने इस बात को दिल पे लिया और जब उसके मामा ना आए तो उसको लगा कि जो उनके मामा है रास्ता भूल गए और वो उसकी वजह से रास्ता भूल गए, तो इसलिए वो दिया लेकर एक लालटेन लेकर अंधेरे में चला गया ताकि अगर कोई रास्ता भूल गया हो तो उसको रास्ता दिखा दे। तो ये इसके क्वेश्चन एंड आंसर सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अल्फाज मायने आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब इट और चैनल और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।